इलाफ ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेकुलर पार्टी के मायूस कुन नतीजे के बाद रियासती सदर सीएम इब्राहिम के इस्तीफा के बाद पार्टी के रियासती नायब सदर शानुल हक बुखारी ने भी एक सहाफती बयान जारी करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इलाफ मीडिया से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर सलाउद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। सलाम अर्ज करता हूँ। मौजूदा 2023 के असेंबली इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर की निहायत ही अफसोसनाक शिकस्त और इंतहाई खस्ता परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं भी एक कारकुन की हैसियत से इसे दिल बर्दाश्त होकर मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंतखाबात में उससे मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। हालिया इंतखाबात के दौरान मुझे नायब सदर नामज़द किया गया था, अगरचे के वो बराए नाम था, ताहम हमारे पास की आला क़यादत ने जनता दल की हमारी खिदमत को सही तौर पर हासिल भी नहीं किया और हमारे साथ में निहायत ही मानदाना रविश इख्तियार की, जिसके नतीजे में हम अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा भी नहीं कर सके और अपने हकीकी जज्बात को अवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे, जिसके नतीजे में उमराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में बतौर ख़ास हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा और उस ताकत को मौका मिल गया हमारी वजह से जिसको हम हराना चाहते थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सख्त मुकाबला करके उसको शिकस्त देना हमारा मतमईन नज़र था, लेकिन अदम कारकर्दगी की वजह से क़ियादत की और अदम कारकर्दगी की वजह से और नाकारा इंतखाबी हिकमत अमली की वजह से उमराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने जीतने वाला इंतखाब हार दिया, शिकस्त से हमको दो चार होना पड़ा। इसकी मुझे निहायत शर्मिंदगी है और अफसोस भी है, इसलिए मैं जनता दल के सौंपे हुए नायब सदर के रियासती नायब सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूं और अनखरीब इरादा है कि जनता दल की रुकनियत से भी मैं मुस्तफ़ी हो जाऊं। ये चंद अपने एहसासात को आपके सामने शेयर करना चाहता था, जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी, बराए मेहरबानी इसको अवाम मुनास तक पहुँचा दीजिएगा।